चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पुलिस ने स्विफ्ट कार से 40 पेटी शराब की जब्त। कोतवाली थाना अंतर्गत कौशमी बाईपास रोड पर रेक पॉइंट के सामने पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 40 पेटी में रखी 360 लीटर देसी शराब जब्त की है, जहां एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, वहीं मौके से दो आरोपी फरार हो गए। मिली जानकारी अनुसार बता दें कि पुलिस ने बाईपास मार्ग पर चेकिंग शुरू की, जिसमें एक चार पहिया वाहन को रोका गया, जिसमें सवार तीन लोगों में कार चालक हिरवेंद्र पिता स्वर्गीय फकीरा वर्मा निवासी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से दो फरार, जिसमें युवराज पिता फूलचंद मस्करे निवासी लांजी तथा उमेश पिता दिगंबर राहंडाले निवासी ग्राम बोरी लांजी है। कार से गिरनापुर के ग्राम कड़कना से देसी शराब बालाघाट बेचने के मकसद से ला रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए धर दबोचा। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है। सर, शराब के अवैध परिवहन से जुड़ा एक कुछ मामला आया है, क्या मामला है? देखिए, आज हमारी पुलिस टीम द्वारा आज सुबह कार्रवाई की गई, करीब 11:30 बजे की घटना है। मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने हमारी टीम ने घेराबंदी करके एक अपना सरेखा बाईपास पे पकड़ा है, जिसमें एक स्विफ्ट कार है और स्विफ्ट कार का नंबर है CG04KY3118। इस गाड़ी में करीब 40 पेटी हमें अवैध शराब मिली, जिसमें 20 देसी लाल है और 20 देसी सफ़ेद है, और जो कुल हमें 360 वर्ग किलोमीटर के आसपास की क्वांटिटी है उसकी। और आरोपी हमें हिवेंद्र वर्मा, हमने गिरफ्तार किया इसको। ये मूलतः सलोनी डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, और बाकी और आरोपी हैं इसमें, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके हमने विवेचना लिया है। कहाँ से शराब लेके आ रहे थे और कहाँ बेचने के लिए? ये किरनापुर के पास में एक दुकान है, कड़कना उस नाम है, तो वहाँ से शराब ली है और आसपास क्षेत्र में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अवैध रूप से विक्रय करते हैं, और आगे पूछताछ की जाएगी, पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।